हर हर महादेव दोस्तों, भगवान शिव का प्रिय महीना सावन चल रहा है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। इस समय धर्म नगरी हरिद्वार बम बम भोले के जय घोष से गूंज रही है। जहां एक ओर कांवड़िये शिव भक्ति में रमे हैं, तो दूसरी ओर देश भक्ति को भी नहीं भूले हैं। यहां कांवड़िये अपने साथ तिरंगे को साथ लेकर चल रहे हैं, साथ ही झांकी भी निकाल रहे हैं, जिसमें देशभक्ति बखूबी झलक रही है। बता दें कि इस बार की कांवड़ यात्रा कुछ अलग ही अंदाज में हो रही है। अभी तक लगभग 2,80,00,000 से भी ज्यादा कांवड़िये हरिद्वार से गंगा जल भर चुके हैं। इस बार कांवड़ियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में कांवड़िये गंगा जल भरकर रवाना हो रहे हैं। इस बार कांवड़िये शिव भक्ति के साथ देश भक्ति को भी साथ लेकर चल रहे हैं। कांवड़ में तिरंगे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली झांकियां भी निकाल रहे हैं, और ये हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। कांवड़ियों का कहना है कि हमारे लिए देशभक्ति उतना ही जरूरी है जितने की भगवान भोले की भक्ति। इसलिए उन्होंने कांवड़ पर तिरंगा झंडा लगाया है, जिसमें देश में एकता का संदेश दिया जा सके। कांवड़ के दौरान अलग अलग राज्यों से कई कांवड़िये आते हैं, ऐसे में तिरंगा झंडा लगाकर एकता का संदेश भी सभी कांवड़ियों की ओर से दिया जा रहा है। वहीं देशभक्ति के साथ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी इस बार हरिद्वार कांवड़ में देखने को मिल रही है। बागपत से आए बाबू खान लगातार कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। बाबू खान ने बताया कि वो 2 साल से कोरोना होने के कारण यात्रा नहीं कर पाए थे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने भगवान भोलेनाथ का कांवड़ उठाया है। उन्होंने कहा कि अब वो माता पार्वती और भगवान गणेश की कांवड़ उठाकर अपने गांव बागपत जाएंगे। उन्होंने यात्रा का उद्देश्य बताया कि वो पूरे देश को हिंदू मुस्लिम एक होने का संदेश देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने शायरी के अंदाज में एक संदेश भी बनाया है, जो कि वो सबको सुनाते जाते हैं। बता दें कि देश की सबसे बड़ी पद यात्रा कांवड़ यात्रा जारी है। साल में 2 दफा लगने वाले इस कांवड़ मेले में सबसे ज्यादा संख्या सावन के महीने में ही देखने को मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु शिवालयों, मंदिरों और गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। यहां से जल भरकर भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। इस दौरान कांवड़ियों का हुजूम उमड़ पड़ता है। दोस्तों, बाबू खान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस्लाम हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को छूना भी पाप समझता है, उनके प्रसाद को ग्रहण करना महापाप समझता है, और उसी इस्लाम धर्म को मानने वाला बाबू खान भगवान भोले का भक्त बन जाता है, उनकी कांवड़ उठाता है, उनका जल अभिषेक करता है, और केवल इतना ही नहीं, वो माँ पार्वती और भगवान गणेश की कांवड़ भी उठाने को तैयार है। दोस्तों, ऐसे भक्त को हमारा नमस्कार है, और भगवान शंकर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान बाबू खान को लंबी आयु दे, वो इसी तरह से समाज में संदेश देते रहें और सनातन को यूं ही आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।